ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग ना हो कुंडली में तो आदमी करवर यहाँ कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं जीवन में है ये। कितना आप इस बात को मानते हैं, ये जो हम चर्चा करते रहते हैं देखो कि केंद्र त्रिकोण के राजयोग कितनी महत्ता है। दरअसल इसका पता इसी से चलता है कि कोई पूर्व जन्म के कर्म है नहीं का फल इस जीवन में। गुरु इनका दशम घर में एक राजयोग, ठीक है। इनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा 1986 में। गुरु में शनि में चंद्रमा, यानी गुरु के महादशा में शनि के अंतर दशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर, तो इनको पहला जो है वो पड़ा। तो ये एक हफ्ते तक कोमा में थे। ये कुंडली है, ये है धीरू भाई अंबानी की, रिलायंस के ओनर थे ना, रिलायंस के मालिक। ये कुंडली, ये तो 5 महीने से हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि इनकी तो आपने कुंडली पढ़ी ही नहीं, मुकेश अंबानी जी की पढ़ दी, अडानी की पढ़ दी, धीरू भाई अंबानी की कुंडली नहीं पढ़ी। तो हमने कहा भेजो तो पढ़ें। चलो तो फिर भेजा एक लोगों ने, तो हमने कहा पढ़ते हैं। तो ये धनु लग्न की कुंडली है और धनु राशि ही है, और लग्नेश गुरु इनका द्विस्वभाव में, अष्टमेश का चंद्रमा इनका द्विस्वभाव मध्य आयु, लग्न द्विस्वभाव, चंद्रमा दो स्वभाव मध्य आयु, शनि चर, चंद्रमा दो स्वभाव अल, ये मध्य आयु की कुंडली थी है ना। तो उसी आयु में इनका निधन हुआ होगा। हाँ ठीक ही ठाक जो है, मतलब एज तो ठीक ठाक थी। हाँ, कोई दिक्कत नहीं था एज वाइज। अब आओ राजयोग वगैरह देखिए। लग्नेश गुरु इनका दशम घर में एक राजयोग, ठीक है। एक राजयोग तो ये हो गया, इनको मिल गया, लग्नेश दशम में आ गया। अब भाग्य सूर्य इनका लग्न में आ गया, ये दूसरा राजयोग हो गया। और पंचमेश का मंगल इनका भाग्य में, ये राजयोग कोई बनता नहीं यहाँ पे है ना। धन भाव में शनि स्वग्रही है मकर राशि का, इसलिए बहुत धन की स्थिति इसमें बन गई कुंडली में। लाभ भाव का मालिक शुक्र इनका 12वें घर में बैठा है ना, और बुध के व्यापार के मालिक के साथ बैठा है, इसलिए इनका धन व्यापार में बहुत अधिक लगा है ना। अच्छा, व्यापार में मतलब खर्च बहुत हुआ ना, खर्च बहुत हुआ। ये भी ठीक बात है, सही ठीक है ना। और सीधी सी बात है, जब खर्च होगा तभी संचित धन बढ़ेगा यहाँ पे। हाँ, वो तो बिजनेस में इन्वेंटरी बढ़ती हैं। हाँ, तभी पैसा आता है, तभी पैसा आता है। तो एक ये लग्नेश दशम घर में गुरु है ना, और यहाँ उच्च के करीब ही है, है नीचा है तो नीचा बिलासी, लेकिन कर किसकी उच्च राशि है, कन्या में है, 2 राशि आगे। तो एक तो ये राजयोग बढ़िया है, साफ सुथरा है, किसी राहु और शनियों किसी दृष्टि नहीं है। ये 2 बड़े राजयोग थे, 2 सबसे बड़े राज, 2 और ये धन भाव का मालिक धन भाव में बैठा है ना। तो 2 तो ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग हैं। हाँ, ये 2 राजयोग। और इन्होंने व्यापार स्टार्ट किया मसाले का। हाँ, व्यापार स्टार्ट किया मसाले का, वो भी फॉरेन से, यमन देश से। हाँ, तो मसाला आता है मंगल के है ना, तो भाग्य भाव में मंगल बैठा है, इस वजह से मसाले का व्यापार है ना। और ये 12वें घर का मालिक है, यानी विदेशों से मंगल। अच्छा, और देखिए कुछ हमने डेटा जो है इनका निकाला था 1977 में, 66 में रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की इन्होंने स्थापना की थी, तब राहु की महादशा चल रही थी। राहु की, हाँ तो राहु पराक्रम के घर में बैठा है, मित्र के घर में है ना, तो राहु की महादशा तो बढ़िया इनकी बढ़िया चलेगी। हाँ, और उसके बाद फिर 1973 में रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी और इन्होंने ब्रांड लॉन्च किया ओनली विमल। राहु में बुध आया ना। तो ये बुध वही व्यापार का मालिक हो गया है ना। उसके बाद जो बहुत बड़े बड़े जो घटनाक्रम हुए जीवन में, वो देखिए आप कि रिलायंस का पब्लिक लिमिटेड हुआ पहले, रिलायंस कंपनी 1977 में राहु में शुक्र आया, तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। हाँ, तो ये भी ठीक है, शुक्र यहाँ बलवान है। उसके बाद एक NRI का इन्वेस्टमेंट हुआ था 1982-83 में 220 मिलियन रुपए का, उसमें गुरु की महादशा स्टार्ट हो गई। हाँ, तो फिर वहां से वो राजयोग शुरू हो गया, देखिए है ना। और 2 राजयोग सबसे बड़े, लग्नेश दशम में गुरु और भाग्य सूर्य लग्न में।
और एक दो चीजें और भी देखिए, इनको पैरालिसिस का अटैक पड़ा 1986 में, गुरु में शनि में चंद्रमा, यानी गुरु के महादशा में शनि के अंतर दशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर, तो इनको पहला जो है वो पड़ा, तो ये एक हफ्ते तक कोमा में थे। अच्छा, हाँ 86 में। तो अब रोग को तो देखो छठे घर से, छठे घर का मालिक शुक्र 12वें घर में है ना, और 1, 2, 3, 4 मंगल की यहाँ दृष्टि शुक्र पे, तो मंगल और केतु, 1, 2, 3 नहीं केतु की नहीं मंगल की गई, तो एक तो ये छठा घर 12वें घर में पीड़ित है, दूसरी चीज है कि यहाँ सूर्य और चंद्रमा लग्न में है और केतु से दृष्ट है, ठीक है, सूर्य चंद्रमा को केतु देख रहा हो, केतु सूर्य को भी देख रहा है ना, तो इस कारण से ये सब चीज है। हाँ, ये सारी चीज। अच्छा, ये जो गुरु की दृष्टि नवी छठे भाव के ऊपर है वो थोड़ा सा वो ठीक है ना। हाँ, थोड़ा उसको कंट्रोल कर, इसी वजह से हम बोला था कोमा से बाहर निकल पाए होंगे, निकल पाए है ना। और फिर इनकी जब डेथ हुई है तब चल रहा था शनि की महादशा, उसमें बुध का अंतर और चंद्रमा का प्रत्यंतर, ये तो सेकंड मार्केश हो गया, मार्केश हो गया, कुंडली दमदार कुंडली है ना, बहुत बलवान कुंडली, एकदम बिल्कुल निम्न वर्ग से निकल के और दुनिया के अमीर आदमियों में पहुंचना। अच्छा, एक बात है, इसका मतलब ये केंद्र त्रिकोण के राजयोग ना हो कुंडली में तो आदमी करवर यहाँ कुछ नहीं पाएगा, कुछ नहीं जीवन में है ये बस। कितना आप इस बात को मानते हैं, ये जो हम चर्चा करते रहते हैं देखो कि केंद्र त्रिकोण के राजयोग कितनी महत्ता है, दरअसल इसका पता इसी से चलता है कि कोई पूर्व जन्म के कर्म है नहीं का फल इस जीवन में मनुष्य भोगता है। कारण ये है कि ये देखो कि अगर पूर्व जन्म के कर्म का फल ना हो तो जिनकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं है उनका साधारण सा जीवन होता है, 20-25 हजार की नौकरी कर रहा है बस है ना, तो और जिनका बिल्कुल भी कुछ नहीं होता कुंडली में वो मजदूरी करते है ना, तो बिना राजयोग के बड़ा उद्योगपति नहीं हो, राजनेता है ना, साइंटिस्ट और पैसा ज्यादा और प्रशासनिक अधिकारी और धन, ये सारी चीजें नहीं हो, इम्पॉसिबल है ना, है ना ये। अच्छा, तो इसका मतलब है जैसे बहुत सारे लोग जो ये कहते हैं और अपना पूरा जीवन बिता देते हैं कि नहीं नहीं हम अपना कर्म से ही कर लेंगे, और वो जीवन के अंतिम समय में ये कहते हैं कि हमने मेहनत तो बहुत की लेकिन हमको कुछ मिला नहीं है ना, तो वो कारण वही है कि राजयोग रहा नहीं कुंडली के अंदर। और इस बात को इस तरह से समझना चाहिए कि जब सब धर्म ग्रंथ ये कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, उसका मतलब क्या है भाई, अच्छे कर्म करने का क्या मतलब, तो उनका अच्छे कर्म करने का मतलब है कि उसका फल अच्छा मिलेगा है ना, और कर्म अगर बुरा किया जाएगा तो उसका फल बुरा मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं पर वो भविष्य चाहे इस जीवन का हो चाहे अगले जन्म का हो उससे ऐड होता है कर्म सिद्धांत। यानी कि ये जो ज्योतिष विज्ञान है ये एक पुल है मटेरियल वर्ल्ड और आध्यात्मिक वर्ल्ड के बीच में। हाँ, ये तो पुल है ना, यही है, ये एक सेतु बनता है, और इस सेतु से मटेरियल वर्ल्ड से आध्यात्मिक की यात्रा की जा सकती है, जैसे कि अब्दुल कलाम लोग कर गए। देखिए कुंडली में आपने पढ़ी थी कुंडली अब्दुल कलाम जी की, और ये चूंकि गुरु यहाँ चौथे घर में बैठा ना, पांचवी दृष्टि सेकंड हाउस पे आई शनि पर, तो गुरु शनि का एक कॉम्बिनेशन बना, ठीक है, गुरु लगने से, तो इसलिए इनका पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास तो बहुत मतलब, और ये दान भी बहुत करते हैं, बहुत मतलब दान करते थे बहुत, और पूजा पाठ भी इनके घर में है ना सदैव होती थी। एक हमने और जैसे हम पढ़ते जब थे तो हमने एक और रिसर्च की थी कि धीरू भाई अम्बानी से बड़ा आज तक स्टॉक मार्केट के अंदर प्लेयर कोई पैदा ही नहीं हुआ था, अकेले आदमी थे ये जिन्होंने पूरी स्टॉक मार्केट को 1988 के आसपास में संभाल लिया था, वरना रिलायंस कंपनी पूरी खराब हो जाती उसमें। तो वो तो है ही, वो शॉर्टर्स कुछ थे जो शॉर्ट कर रहे थे कलकत्ता से बैठ के, और इन्होंने जो है वो पूरा फंड अरेंज किया सारा फॉरेन से, और उसके बाद उस स्टॉक को मैनिपुलेट होने से बचा लिया था। बहुत ही मतलब ये पावरफुल मानसिकता के थे, तो गुरु शनि के कारण गुरु शनि का था ना,
पूजा पाठ सब चीजें और दान देने की जो चीजें हैं वो ये करते। तो ये मतलब एक तरीके से रिलायंस का बरगद का पेड़ थे, बरगद का पेड़ जिसको अब ये सब लोग जिसके फल खा रहे हैं ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में। तो है ही है, वो तो आगे पीढ़ियों तक चलेगा। बरगद का पेड़ बनाया था इन्होंने, बहुत ही है। जीवन में एक ही व्यक्ति परिवार का मेहनत करता है, सफल हो जाता है ना, है नहीं? बाकी फल तो सब लंबे समय तक खाते रहते हैं। ठीक है, सही, बहुत बढ़िया कुंडली, बहुत बलवान है ना। ठीक है।